जिस स्कूल में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 10वीं तक पढ़ाई की, आज उसी स्कूल में वह मुख्य अतिथि बनकर पहुंचे। मुख्य अतिथि का छोटा शिमला सरकारी स्कूल में पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया, साथ ही उनके साथ पढ़े दोस्तों को भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर उनके शिक्षक भी उनसे मिले, उनको भी सम्मानित किया गया। स्कूली बच्चों ने इस अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि एक सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ व्यक्ति भी मुख्यमंत्री बन सकता है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए बच्चों के मनोबल को बढ़ाने के लिए स्कूल में पहुंचे हैं। सरकारी स्कूलों में पढ़े लिखे शिक्षक होते हैं और वहीं अच्छी पढ़ाई भी होती है, लेकिन देखा देखी में लोग आज निजी स्कूलों का रुख कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल में डे बोर्डिंग स्कूल भी शुरू किए जाएंगे ताकि सरकारी स्कूलों के प्रति लोगों का झुकाव हो सके। मैं पहली से 10वीं कक्षा तक इसी स्कूल में पढ़ा हूँ। अब तो स्कूल का नक्शा थोड़ा सा बदल गया है, तब तो पुराने ब्रिटिशर्स टाइम का स्कूल का होता था। और मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि ये गवर्नमेंट स्कूल है और मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ, तो बच्चों में एक भावना है, होती है कि हमारे स्कूल से कोई अगर बन गया, कहीं किसी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंच गया, मंत्री की कुर्सी पर पहुंच गया, विधायक बन गया, किसी भी समाज के किसी भी क्षेत्र में जाए, कुछ बन जाए, तो उसको अपने स्कूल की खुशी होती है। जब मेरे पास टीचर आए तो मैंने कहा कि मैं इन बच्चों से भी मिलूंगा ताकि बच्चों को ये पता लगे कि हम गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए हैं और अगर जीवन में दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो आप जीवन में कहीं भी आगे बढ़ सकते हैं। तभी मैंने अभी इनसे प्रिंसिपल मैम से कहा कि पहले सबसे पहले बच्चों को बैठाओ जिनके लिए मैं आया हूँ, और हमारे काफ़ी राजनीतिक कार्यकर्ता आगे थे और जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स के फ्रेंड हैं, जो ओल्ड समय के उनके परिवार के लोग, उनको बैठाओ। सर, तो आप खुद उदाहरण हो सरकारी स्कूल से, अब बोर्ड प्राइवेट स्कूलों की तरह बढ़ी है, क्या आप कहेंगे? नहीं, आप देखिए, मैंने आपको एक चीज़ बतानी है कि मैं अभी बोलने वाला भी हूँ नीचे, कि सरकारी स्कूल में जो टीचर होते हैं वो सब लोग क्वालिफाइड भी होते हैं, दूसरे स्कूलों में भी होते हैं, टेस्ट के थ्रू आते हैं, लेकिन एक विडंबना ये होगी कि हमें इंग्लिश स्कूल में पढ़ना है, इंग्लिश बोलने वाला स्कूल में पढ़ना। हमने इस नीति को समझा और हमने अपने गारंटी में जो हमने राजीव गांधी डे गारंटी योजना शुरू की, डे गारंटी बोर्डिंग नहीं, राजीव गांधी ने डे बोर्डिंग स्कूल जो हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमारी एक गारंटी है, ये उसको हम शुरू कर रहे हैं ताकि लोगों बच्चों में कॉन्फिडेंस बढ़े। वो गवर्नमेंट स्कूल होंगे लेकिन उनका विश्वास इतना होगा कि आने वाले समय में भविष्य की चुनौतियों का वो सामना कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।